वर्ल्ड कप 2023 का पहला अपसेट तब हुआ जब अफगानिस्तान ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को मात दी। इस हार के पीछे इंग्लैंड के ही खिलाड़ी ने तैयार किया हार का फुल प्रूफ प्लान। ये प्लान इंग्लैंड को वर्ल्ड कप से बाहर भी कर सकता है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कौन है वो खिलाड़ी जिसने इंग्लैंड का होकर इंग्लैंड के खिलाफ हार का प्लान बनाया, साथ ही वो चार स्ट्रेटजी जो इंग्लैंड के हार की सबसे बड़ी वजह रही। सबसे पहले आपको बता दें कि अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप में 14 लगातार हार के बाद डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 69 रनों से शिकस्त दी। यह वनडे वर्ल्ड कप 2023 का पहला और सबसे बड़ा उलटफेर है। हालांकि इंग्लैंड के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले इंग्लैंड 2011 में आयरलैंड और 2015 में बांग्लादेश से भी हारी थी। पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने 49.5 ओवर में 284 रन बनाए। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड महज 215 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। इस हार के बाद पॉइंट्स टेबल पर इंग्लैंड पांचवे और अफगान छठे नंबर पर। इंग्लैंड के खिलाड़ी ने बनाए इंग्लैंड के इस शर्मनाक हार का प्लान। जी हाँ, सही सुना आपने, इस खिलाड़ी का नाम है जोनाथन ट्रॉट। ट्रॉट अफगानिस्तान के कोच हैं। इन्हें इंग्लैंड टीम के वीकनेस और स्ट्रेंथ का पूरा अंदाजा है। ट्रॉट अफगानिस्तान के साथ मिलकर अपने चार प्लान के साथ चौथरफा हमला किया। प्लान ए स्पिन अटैक। अफगानिस्तान के स्पिनर गेम चेंजर साबित हुए। इंग्लैंड के खिलाफ अफगानिस्तान की ऐतिहासिक जीत स्पिनर का रोल सबसे अहम रहा। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इंग्लैंड के 8 विकेट स्पिन ने ली। प्लान टू, इंग्लैंड के शुरुआती विकेट जल्द ही गिरे जिसकी वजह से लंबी पार्टनरशिप नहीं बन सकी और लगातार विकेट गिरने से 215 रन पर ऑल आउट हो। प्लान नंबर थ्री, डेल एंडर्स ने भी रन बनाए। इंग्लैंड ने 190 रन पर अफगानिस्तान के 6 विकेट गिरा दिए। बावजूद इसके आखिरी 14 ओवर में 94 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ हार और जीत का बड़ा अंतर साबित हुआ। प्लान नंबर चार, इंग्लैंड के खराब बॉलिंग कॉम्बिनेशन। दिल्ली में स्पिन फ्रेंडली पिच होने के बावजूद चार पेसर्स के साथ उतरना इंग्लैंड की बड़ी गलती साबित हुई। लिहाजा चार पेसर्स ने उनके 29 ओवर डाले जिसमें 189 रन देकर में साबित हुई, जिसकी वजह से इंग्लैंड को पार्ट टाइमर रूट और लिविंगस्टन की तरफ जाना पड़ा। लिहाजा इंग्लैंड को एक और हार वर्ल्ड कप से बाहर कर सकती है।